खबर के बिना न्यूज़ के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। रवि राणा ने दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की परेशानियों पर प्रतिक्रिया। मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की दी चुनौती। चंद्रपुर के स्कूल में 7 नाबालिग छात्राओं पर अत्याचार करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। 1 साल से दे रहा था इस घिनौनी हरकत को अंजाम। और नागपुर सहित विदर्भ में भीषण गर्मी से राहत नहीं। आगामी 2 दिन भीषण गर्मी की मौसम विभाग ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। और एक बड़ी खबर आ रही है, उसी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़े, अन्यथा मैं ही मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। यह चेतावनी विधायक रवि राणा ने 4 दिन पहले दी थी, लेकिन आज फिर रवि राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चेतावनी दी है। उधर परेशानियां है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पीछा नहीं छोड़ती, इसलिए राज्य और मातोश्री पर संकट को दूर करने के लिए मातोश्री पर हनुमान चालीसा करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुझ पर जाने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे, ऐसी बात विधायक रवि राणा ने कही। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे सगळ्यांच्या हृदयात असलेली मातोश्री जे बाळासाहेबांच्या नावाने ओळखल्या जाते आणि ज्या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे राहतात, खऱ्या अर्थानं उद्धवजी ठाकरे जेव्हापासून मुख्यमंत्री झाले संपूर्ण महाराष्ट्राला विघ्न लागलेला आहे, साळेसाती लागलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात संकट महाराष्ट्र वारंवार येत आहे। त्या उद्देशानं उद्धव ठाकरेजींनी मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचायला पाहिजे। त्या ठिकाणी हे संकट मुक्त करण्यासाठी अशा प्रकारचं जर हनुमान चालीसा वाचला संपूर्ण हिंदूला एक चांगला संदेश जाईल आणि कुठेतरी महाराष्ट्र संकट मुक्त होईल। कारण उद्धवजी ठाकरे 2 वर्षापासून मंत्रालयात गेले नाही, शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले नाही, शेतकऱ्यांची परिस्थिती कठीण आहे, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, लोड शेडिंग महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे, विकासाचं कुठलंही महत्त्वाचं काम महाराष्ट्रामध्ये होत नाही आहे, असे जे विघ्न लागलेले आहे, संकट येत आहे। या संकटातून मुक्तासाठी हनुमान जयंतीच्या शुभ पर्वावर त्या ठिकाणी हनुमान चालीसा वाचावं अशी मी विनंती केली होती। पण उद्धव ठाकरेजी कोणाच्या दबावामध्ये आहे, का हनुमान चालीसाचं वाचन करत नाही आहे, हे हिंदूंना सगळ्या हिंदूंच्या वतीने त्यांना एक सवाल आहे। आणि मी आता मातोश्री जाण्यासाठी आमचं सगळं पूर्ण प्लॅनिंग चालू आहे, तयारी चालू आहे आणि लवकरच मी मातोश्रीकडे रवाना होणार आहे आणि मातोश्रीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या खऱ्या अर्थानं हे लागलेलं विघ्न आणि साळेसाती संपवण्यासाठी मी मातोश्रीवर लवकरच त्या ठिकाणी हनुमान चालीसाचं वाचन करणार आहे। आणि मला असं वाटते त्या ठिकाणी उद्धवजी ठाकरे मला मातोश्रीमध्ये येण्यासाठी खऱ्या अर्थानं कुठल्याही प्रकारचं बंधन आणतील नाही, कुठल्याही प्रकारचा दबाव आणतील नाही, अशी त्यांच्याकडनं माझी अपेक्षा। पेपर की जांच करने के नाम पर छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोप में शिक्षक अच्युत राठौर को गिरफ्तार किया गया है। जिले की पिछड़ी आदिवासी तहसील जीवती में 1 वर्ष में करीब 7 नाबालिग छात्राओं को स्कूल में बुलाकर शिक्षक ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। ये मामला 18 अप्रैल की रात को उस समय उजागर हुआ जब एक छात्रा के साथ शिक्षक ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने इसकी जानकारी घर आकर अपनी माँ को दी। छात्रा की माँ की शिकायत पर जिला परिषद प्राथमिक स्कूल के आरोपी शिक्षक अच्युत राठौर के खिलाफ भांडवी की धारा 354-31, 376-T, 376-2 एन के साथ ही बाल अत्याचार निरोधक अधिनियम अर्थात पॉक्सो की धारा 4, 6, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार छात्राओं ने डर के कारण शिक्षक की घिनौनी हरकत के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। गढ़चांदूर के उपविभागीय अधिकारी सुशील कुमार नायक ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच महिला पुलिस निरीक्षक को सौंपी गई है। नागपुर सहित पूरा विदर्भ झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में है। मंगलवार को भी नागपुर में पारा 43.6 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर बना रहा, पर सामान्य से 3 डिग्री अधिक होने की वजह से धूप की तीक्ष्ण किरणें शहरवासियों को हलाकान करती रही।
गर्म हवाओं के थपेड़े भी चलते रहे। विदर्भ में अकोला, चंद्रपुर और वर्धा संयुक्त रूप से गर्मी के मामले में मध्य भारत में शीर्ष पर रहे। यहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नागपुर में पिछले 4 दिनों से पारा 42 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत के आसार नहीं है। पूरे विदर्भ में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर बना रहेगा। विदर्भ के 8 जिलों में पारा 43 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। मोमिनपुरा स्थित गार्ड लाइन में कबाड़ी की कार से मिली लाश की 3 दिन बाद पहचान हो गई है। मृतक युवक कलमना में हमाली करता था। आरंभिक पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु सिर पर चोट लगने से होने का पता चला है। अंतिम निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। 15 अप्रैल की दोपहर गाइडलाइन में नौशाद शाह नामक गाड़ी कबाड़ी द्वारा काटने के लिए खरीदी गई कार क्रमांक MH 31 CM 9744 में युवक की लाश मिली थी। तहसील पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। इसके बाद पुलिस मृतक की पहचान कर रही थी। सोमवार को परिजनों के मिलने के बाद लाश की पहचान हुई। मृतक कार्तिक हेमराज सेलोकर नवीन सिग्नल माता मंदिर के पास कलमना है। कार्तिक कलमना बाजार में हमाली करता है। पीलिया से ग्रस्त होने पर परिजनों ने उसे 11 अप्रैल को मेयो अस्पताल में भर्ती कराया। 12 अप्रैल को कार्तिक मेयो अस्पताल से भाग खड़ा हुआ। कार्तिक सांस का मंगलसूत्र छीनने लगा। उसके हाथ में महज 3 मणियाएं जिन्हें लेकर वो फरार हो गया। 12 अप्रैल के बाद से कार्तिक का पता नहीं था। सूत्रों के अनुसार कार्तिक के सिर पर चोट का निशान होने का पता चला। शव के पास ही उसके कपड़े पड़े थे। उसके पास के 3 मणि भी पुलिस को मिले हैं। सिर पर चोट साजिश अथवा हादसे से लगी है। इसकी पुष्टि होने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। गोल्ड लाइन परिसर अपराधी और नशाखोरों की पसंदीदा जगह है। ऐसे में कार्तिक के किसी वारदात का शिकार होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 वर्षों से अधिक संघर्ष के बाद नागपुरवासी कोविड पर जीत से महज एक कदम दूर है। मंगलवार को 5 संक्रमितों के स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या महज एक ही रह गई है। संबंधित मरीज नागपुर शहर का है जो कि होम आइसोलेशन में है। पिछले 6 दिनों से नागपुर जिले में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। हर प्रकार की पाबंदियां हटाने के बाद भी संक्रमण का नहीं बढ़ना आम आदमी से लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए खुशी की बात है। अस्पतालों में कोविड वार्ड बंद हो चुके हैं। व्यापार, बाजार, कारोबार सामान्य स्तर पर पहुंच चुका है। हर धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को भी खूब उत्साह से मना रहे हैं। फिर भी कोविड काल में जिन 10,338 मरीजों की जान गई
उनके दर्द के निशान वर्षों तक शहरवासियों के जहन में बने रहेंगे। 5,67,424 ने कोरोना पर जीत हासिल कर सामान्य जीवन जी रहे हैं। सितंबर 2020 में पहली लहर का पीक आया, उस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या 13,000 से अधिक पर जा पहुंची थी। वही अप्रैल 2021 में कोरोना का दूसरा पीक आया। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में 4 गुना अधिक सक्रिय मिले थे। इस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या 77,000 के करीब जा पहुंची थी। वही कोरोना की तीसरी लहर जनवरी 2022 में आई। इस दौरान जनवरी अंत में 22,831 सक्रिय मरीज थे, लेकिन जिस तेजी से तीसरी लहर में संक्रमित मिले उसी तेजी से स्वस्थ भी हुए। फरवरी अंत तक सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 300 पर जा पहुंची। मार्च में इसमें और कमी आई और सक्रिय घटकर 16 ही रह गए। वही 19 अप्रैल को महज एक ही पॉजिटिव रह गया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर सुभाष चौधरी के खिलाफ विद्यापीठ में रोष बढ़ता जा रहा है। कुलगुरु के खिलाफ सीनेट सदस्यों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि कुलगुरु लगातार विश्वविद्यालय के नियमों का उल्लंघन कर तानाशाही तरीके से काम कर रहे हैं। सीनेट सदस्यों ने कुलगुरु को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग की है। इस संदर्भ में सीनेट सदस्यों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के पास पत्र भेजकर शिकायत भी की है। 21 मार्च को सीनेट की स्थगित सभा बुलाई गई थी, लेकिन महज 2 मिनट में ही कुलपति ने बैठक बंद कर दी और घोषणा कर डाली कि सीनेट भंग हो रही है। बैठक को बिना किसी स्पष्टीकरण के अचानक समाप्त होता देख अधिकांश सीनेट सदस्य हैरान रह गए। पश्चात नाराज सदस्यों ने कुल सचिव और फिर कुलगुरु को घेर लिया था। कुलगुरु ने अप्रैल महीने में बैठक बुलाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। कुलगुरु के इस व्यवहार को लेकर सीनेट सदस्यों में पहले से ही रोष था। इसके बाद सदस्य और ज्यादा आक्रामक हो गए। मंगलवार को विद्यापीठ में सीनेट सदस्यों ने पत्र परिषद को संबोधित करते हुए दावा करते हुए कहा कि पिछले काफी समय से कुलगुरु तानाशाही का अनुसरण कर सार्वजनिक प्राधिकरण के निजीकरण का प्रयास कर रहे हैं। पारा चढ़ते ही पेयजल संकट घराने लगा है। मोर्चा प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासक राधाकृष्णन बी ने मंगलवार को बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन इलाकों में पेयजल आपूर्ति की समस्या है उन इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति करें। स्लम इलाकों में कम दबाव से जलापूर्ति की शिकायतें मिल रही है उसे भी तत्काल दूर करें। पानी को लेकर लोगों की समस्या तत्काल हल होनी चाहिए। जल संकट और उपाय योजना विषय को लेकर आयोजित बैठक में आयुक्त के साथ अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, जल प्रदाय विभाग की कार्यकारी अभियंता श्वेता बैनर्जी, कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वाईकर, मनपा के तकनीकी सलाहकार मनोज गणवीर, OCW के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय रॉय, वरिष्ठ अधिकारी राजेश कालरा आदि उपस्थित थे। मनपा आयुक्त ने 10 जोन में पानी की परिस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सूचित किया कि शहर के जिन इलाकों में पानी की समस्या है उन इलाकों में टैंकर से जलापूर्ति करें। पानी की समस्या को लेकर लोगों का पक्ष जानना आवश्यक है। OCW रोजाना नागरिकों के बीच जाए और समस्या का निराकरण करे। गर्मी बढ़ने की वजह से ही पानी का उपयोग भी बढ़ गया है। नागरिकों को स्वच्छ पानी देना मनपा और OCW की जवाबदारी है। राजस्व मंत्री थे तब आप पर 82 एकड़ सरकारी जमीन 12 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मुझ पर ACB या अन्य किसी की भी इंक्वायरी लगा लो, लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं। वही आगे की बात करते हुए वे बोले कि महाविकास आघाड़ी ये एक डाली का पेड़ है और जून तक ये पेड़ निस्तेनाबूत हो जाएगी। ऐसी कड़े शब्दों में नारायण राणे ने महाविकास सरकार की आलोचना की है। आमच्या इकडे कोकणात आहे ना, अगदी मे एंडला जूनच्या सुरुवातीला वादळ येत, त्यात अशी हलणारी झाडं आहेत ना, फांद्यासकट कोसळून पडत। हे 3 पक्षांचं एक झाड आहे। या फांदीवर मुख्यमंत्री मुख्य कोडावर नाही जाणार आहे का जून महिन्याच्या अगोदर। जय जय महाराष्ट्र। तो प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।